गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन बात करेंगे फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टैमेन। स्टैमेन को जो है एंड्रोशियम भी बोलते हैं। देखो जहां पे वर्ड एंड्रो आता है, एंड्रो इन द सेंस मेल पार्ट, एंड्रो किसको रेफर करता है, हमेशा मेल पार्ट को रेफर करता है। अब एंड्रोशियम और स्टैमेन में क्या डिफरेंस होता है, जस्ट लाइक अपन बात करें, वी हैव फाइव फिंगर्स, इफ यू टॉक अबाउट दिस, दिस इज थंब, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस ऑल कलेक्टिवली नोन एज फिंगर, सेम वैसे ही अगर एक के बारे में बात करते हैं तो एक को तो बोलेंगे अपन स्टैमेन। इफ वी आर टॉकिंग कलेक्टिवली ऑल द स्टैमेन्स, ऑल स्टैमेन्स आर कलेक्टिवली नोन एज एंड्रोशियम। कलेक्टिवली सारे स्टैमेन्स को क्या बोलेंगे अपन, एंड्रोशियम। ऑलराइट, स्टैमेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो है स्टैमेन जनरली बायलोबल स्ट्रक्चर होता है, स्टैमेन जनरली बायलोबल स्ट्रक्चर होता है जो कि दो लोब से मिलकर बना होता है। राइट, स्टैमेन इज अ बायलोबल स्ट्रक्चर व्हिच इज मेड ऑफ टू लोब्स, दो लोब से मिलकर बना होता है। ऊपर जो है ये बल्ब और लोब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको बोलते हैं एंथर। राइट, एंथर जो है आपस में एक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कनेक्टिव, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कनेक्टिव। एंथर आपस में एक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कनेक्टिव। अब एंथर के नीचे जो है एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाई जाती है, दैट फिलामेंटस स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट, दैट फिलामेंटस स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट। जनरली एक स्टैमेन के दो पार्ट होते हैं, नंबर वन इज टॉप के ऊपर जो स्वेल्ड स्ट्रक्चर पाई जा रही है एंथर, और जस्ट उसके नीचे एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर और थर्ड लाइन स्ट्रक्चर, दैट इज फिलामेंट। बट जो भी एंथर बायलोब्ड होते हैं, जो भी एंथर बायलोब्ड होते हैं, बायलोब्ड एंथर के अंदर ऑब्वियसली दो लोब्स पाई जा रही है, दोनों लोब्स आपस में एक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कनेक्टिव। अब यहां पे ये तो क्लियर हो गया होगा कि अगर मोनोलोब एंथर है, मोनोलोब स्टैमिन है जिसके अंदर केवल एक ही लोब पाई जा रही है, उसमें तो कनेक्टिव आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इसमें दो लोब पाई जा रही है, दो लोब वाले के अंदर जो है इजीली आप कनेक्टिव को देख सकते हो। कनेक्टिव जो है स्ट्राइल पार्ट होता है, दिस इज स्ट्राइल, जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर किसी भी प्रकार का अपना रोल प्ले नहीं करता है। ये जो है रिप्रोडक्शन या फिर जो है ग्रोथ के अंदर भी किसी प्रकार का अपना कोई रोल प्ले नहीं करता है, इसलिए कनेक्टिव जो है स्ट्राइल होता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन एंथर की, एंथर जो है यूनिलोब्ड भी हो सकता है, बायलोब्ड भी हो सकता है। यूनिलोब्ड बहुत रेयरली होता है, मेनली कैसा होता है, बायलोब्ड होता है। ईच लोब कंटेन टू थीका, थीका इन द सेंस अंदर जो है कप लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। हर एक लोब के अंदर जो है दो थीका पाई जाती है, हर एक लोब के अंदर जो है दो थीका पाई जाती है। इसका मतलब एक एंथर के अंदर कितने थीका हो गए, टोटल फोर, दैट टोटल फोर थीका। ऑलराइट, इन एन एंथर, सो दैट इज ऑल अबाउट द थीका, दो आर सिचुएटेड इनसाइड द एंथर। ऑलराइट, इसके बाद में फिलामेंट जो है इसके एंड को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक तो फिलामेंट का वो एंड जो कि एंथर के पास में है, दैट इज नोन एज प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल एंड, और एक वो एंड जो कि थैलमस के पास में है, किसके पास में, जो थैलमस, दैट इज नोन एज डिस्टल। प्रोक्सिमल इन द सेंस नियर टू द एंथर एंड डिस्टल इन द सेंस नियर टू द थैलमस। इस प्रकार से फिलामेंट को भी दो रीजन के अंदर डिफरेंशिएट कर रखा है। ऑलराइट, अभी वैसे तो देखो इसमें बहुत सारे एंथर के बहुत सारे काइंड दे रखे हैं, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट दीज होल थिंग्स, लाइक कि जैसे ये जो फिलामेंट है बहुत बार बेस से चिपका होता है, दैट इज बेसिपिटल, बहुत बार जो है ये पूरी लेंथ से चिपका होता है, दैट इज एडेनेट, बहुत बार जो है ये केवल इस वाले रीजन से फिलामेंट चिपका होता है, दैट इज वर्सेटाइल, वर्सेटाइल जनरली जो है अपन को
उन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है जिनके अंदर पोलिनेशन एयर से होता है जो कि बहुत हल्के होते हैं. ऑलराइट, सो देयर आर वैरायटीज काइंड ऑफ, बट दीस आर नॉट मेंशनड इन एनसीईआरटी. ये एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं कर रखे हैं. सो अपन ज्यादा चीजों के बारे में नहीं देखेंगे. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जब भी बात करते हैं स्टैमिन के बारे में बात करते हैं. स्टैमिन को कलेक्टिवली जो है एंड्रोशियम भी बोलते हैं. दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है. नंबर वन इज द एंथर, नंबर सेकेंड इज फिलामेंट. एंथर जो है दिस इज जनरली बायलोबल स्ट्रक्चर एंड ईच लोब कंटेन टू थीका. हर एक लोब के अंदर जो है दो थीका पाई जाती है. एंड दैट कैन ऑल्सो बी यूनिलोब भी हो सकता है. बायोलोब स्ट्रक्चर के अंदर जो है एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कनेक्टिव. कनेक्टिव जो है एक स्ट्राइल रीजन होता है जो कि डिफ्रेंशिएशन के अंदर किसी प्रकार का रोल प्ले नहीं करता है. और एंथर जो है फाइब्रस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है, इसको बोलता है फिलामेंट. फिलामेंट जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर दो एंड्स होते हैं, प्रॉक्सिमल दैट इज नियर टू द एंथर लोब एंड सेकंड इज डिस्टल दैट इज नियर टू द थैलेमस. सो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमिन. ये स्टैमिन के स्ट्रक्चर के बारे में है. इसके बाद में वी विल टॉक अबाउट कि जो ये बायोलोब स्ट्रक्चर है, बायोलोब के अंदर जो थीका पाई जा रही है, थीका के अंदर जो है माइक्रोस्पोरिया सिचुएटेड होती है. Each theca contains one microsporangia. तो अपन microsporangia के बारे में बात करेंगे. Alright, microsporangia के चारों तरफ जो है anther wall पाई जाती है, जो कि चार लेयर से मिलकर बनी हुई होती है. तो जैसे epidermis, endothelium, middle layer and epiderm, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं in the next video. I hope you have understood the structure of stamen. In the next lecture, we'll talk about microsporangia, or we can say structure of microsporangia or the walls of anther. Right? Thanks. Have a nice day.